के लिए या सैर व तफरी के लिए यहाँ बैठे हैं। लोग अपने एग्जिस्टेंस, अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए उनकी आवाज़ को लेकर बैठे हैं और मुतालबा कर रहे हैं, सरकार से बात करना चाहते हैं। सरकार को चाहिए कि वो आए और बात सुने। कह रहे हैं सर विपक्ष जो है वो बेकार है, लोगों की नागरिकता चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। विपक्ष बेकार है तो विपक्ष जवाब देगी उसका, लेकिन उनको इन प्रोटेस्टर्स से बात करनी चाहिए। ये तो विपक्ष नहीं है, ये तो आम जनता है। ये तो ऐसा नहीं है कि इनको बीजेपी से कुछ अलग सी नफरत है। हाँ, बीजेपी को चाहिए कि मतलब ये किसी ऐसा नहीं है कि किसी से कोई पर्टिकुलर दुश्मनी है तो उस दुश्मनी की बुनियाद पे यहाँ आए हुए हैं। ये कह रहे हैं ये जो आपने कानून पास किया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये थोड़ा बहुत जो है वो कम्युनल और एथनिक जो हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी है उस पर एक क्वेश्चन मार्क है। तो और जामिया का जो सर इंसिडेंट हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मतलब कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून के नाम पे कानून का राग अलापने वाले लोग कानून को हाथ में लें, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट केस है। और पुलिस के सामने अगर कोई टेरर एक्टिविटी करता है तो ये दहशतगर्दी और टेररिज्म के आतंकवाद के ज़ुमरे में आता है। कंडमनेबल एक्ट है, इसको कंडम करना चाहिए और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई लेनी चाहिए। और लेकिन एक चीज़ ये है, हम लोगों को ये देखना चाहिए कि जब भी आप किसी कुत्ते पे पत्थर मारते हैं तो कुत्ता जो है वो पत्थर के पीछे नहीं भागता, उस हाथ के पीछे भागता है जिसने पत्थर मारा है। तो यहाँ भी बात यही है कि अगर इनको जाना है तो उन लोगों को तलाश करना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए जो कम से कम जो है इस तरह की भाषणबाजी करते हैं, इस तरह की बात करते हैं जो वायलेंस को बाद में एक लेजिटिमेसी फराहम करते हैं। तो अब जो देखा जा रहा है सर यहाँ पे जो रोड जो ब्लॉक हुआ हो रहा है, अब यहाँ पर जो एम्बुलेंस वगैरह को इमरजेंसी तो स्कूल के जो बच्चे उनके लिए रास्ता दिया जा रहा है। देखिए अभी दिया जा रहा है, अभी अभी ये एम्बुलेंस चला गया, स्कूल बस जा रही है, एम्बुलेंस जा रही है, जिस किसी को भी स्कूल की बसें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट व्हीकल यहाँ से आती है, जो एसेंशियल व्हीकल जैसे एम्बुलेंस हुआ, स्कूल बस आई, वो हमेशा यहाँ से गुजरती है, उसको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है जी। ठीक है, ऐसा एक चीज़ ये मैं बताऊँगा कि जैसे मतलब हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि बटन ऐसा दबाओ कि करंट शाइन बाग में लगे, लेकिन जी मैं एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा होम मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने एक बटन दबा के पूरे हिंदुस्तान के आवाम को जागरूक होने का मौका दिया है, पॉलिटिकली एक्टिव होने का मौका दिया है और ये सोचने का मौका दिया है कि हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है। और इस बटन दबाने पर तो कम से कम वो मुबारकबाद के मुस्ताक।